प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं चनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो के बारे में जानकारी देते हुए, प्लेटो जो कि महान दार्शनिक सुकरात का शिष्य था और यूनान का रहने वाला था। प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया था। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। जैसे उन्होंने कहा, राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है। जिस प्रकार आदर्श मानव में सत, रज व तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार आदर्श राज्य में भी इन तीन गुणों का सामंजस्य होना चाहिए। वह कह सकते हैं कि सत्य जो गुण है उसकी वहाँ पे प्रधानता होनी चाहिए। प्लेटो ने यूनान का अत्यंत नाजुक दौर देखा था। अपने आदर्श गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते हुए उन्होंने देखा था और उन्होंने अपनी आँखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा था। उसने एथेंस में 30 आततायियों का शासन देखा था। तो ये सारी गतिविधियाँ जब उनके द्वारा देखी गई, तब उनके मस्तिष्क में एक दार्शनिक राजा की कल्पना आई। उनका मानना था कि शासन कार्य एक विशेष कला है, इसलिए सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। वह प्रथम, जैसे सेले जो एक विचारक है उन्होंने कहा, वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार व आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। जैसे आज विश्व शासकों में हम भ्रष्टाचार देखते हैं, तो उसका अगर इलाज हमें देखना है तो वो प्लेटो में हमें नज़र आता है, जिन्होंने कहा था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा अलौकिक आकर्षण से परे हो। तो ये उनका अमर संदेश है, राजनीतिक अधिकार व आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। और शासन को उन्होंने एक विशेष कला माना और कहा कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। आज जब दुनिया भर के अंदर हम लोकतंत्र को या दूसरी जो है व्यवस्थाओं को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भीड़ तंत्र इसको बना दिया गया और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को उसमें कोई महत्व नहीं मिलता है, या बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है राजनीति से दूर ही रहता है। तो तभी देश का कह सकते हैं कि उनके अनुसार सोचा जाए या हम भी सोचें तो कह सकते हैं कि कल्याण में बाधा निश्चित ही आती है। तो अगर सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो शासन करेंगे तो निश्चित ही उस राज्य में फायदा होगा। तो ये उनकी सोच, जिसकी वजह से दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का उन्हें प्रथम प्रवर्तक माना गया। अब बात करें जीवन परिचय की, तो पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट क्वाड्रस वंश के थे और इनका वास्तविक नाम अरिस्तोकलीस था, जबकि इनको प्लेटो जो नाम है वो व्यायाम शिक्षक ने दिया, क्योंकि इनके जो खूब भरे हुए चौड़े कंधे थे जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें प्लेटो नाम दिया और कालांतर में धीरे धीरे यही नाम हो गया। इन्हें उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य इन्हें प्राप्त था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की आयु में सुकरात के पास इन्हें भेज दिया गया विद्यालय में पढ़ने के लिए, जहाँ ये 8 वर्ष तक रहे। जहाँ 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, तो उसके बाद जो है इनका जीवन जो है वो बदल गया। उसने सारी योजनाएं परिवर्तित करती हुए एक दार्शनिक जीवन को उन्होंने अपना लिया, जो उनकी नज़र में दुनिया का श्रेष्ठतम मानव जो सुकरात, उसको जब वहाँ पे इनकी आँखों के सामने उनको जो मृत्युदंड दिया गया, तो उनके जीवन पटल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फोस्टर के शब्दों में हम कहें तो प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वह 28 वर्ष का था। तो 28 वर्ष की आयु में ये उनके जीवन में मोड़ आया। और इसी प्रकार जब प्लेटो के समस्त जीवन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव देखा, तो मैक्सी जो एक विचारक है उन्होंने लिखा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। अब इसके बाद सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रहा और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का उन्होंने भ्रमण किया। और कहते हैं कि इन्हीं दिनों वो गंगा नदी के तट तक भारत की यात्रा भी उन्होंने की थी। इसी काल में वह सिसिली गया
और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उनकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति से हुई और वहाँ के राजा दियोनिस प्रथम से उनकी मुलाकात हुई। एक युग बीत जाने के बाद वहाँ से वो वापिस एथेंस आए और एथेंस में उन्होंने अकादमी नामक एक शिक्षण संस्था खोली और ऐसा कहा गया कि अकादमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय है। अकादमी में गणित व ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता थी। वैसे तो अकादमी के अंदर सभी विषय पढ़ाए जाते थे, राजनीति, कानून, दर्शन, लेकिन गणित और ज्यामिति की शिक्षा को यहाँ पे प्रधानता थी। और शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर यह शब्द अंकित थे कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, तो इतना ज़्यादा उन्होंने इसको महत्व दिया था। तो जीवन के अंतिम जो शेष बचे जो साल हैं वो 49 ईयर वो उन्होंने इसी जो है शिक्षणालय के अंदर उन्होंने बिताए। लेकिन इससे पूर्व 367 ईसा पूर्व में जब सिराक्यूज के डियोनीसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र डियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, उसी समय उसे दियोन जो उनका मित्र था उसे संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया। प्लेटो कुछ समय तक वहाँ रहा किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय डियोनीसियस ने दियोन को सिराक्यूज राज्य से निर्वासित कर दिया और दियोन के प्रश्न को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट आया और यहाँ पे फिर 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व में अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर कि ये अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गए। तो ये था उनका जीवन परिचय। अब है प्लेटो के संवाद। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए, इसीलिए इन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने अपने जीवन काल में इस प्रकार के 36 संवाद लिखे थे। इनमें से अपोलोजी, क्रिटो, मिनो, गोर्जिया की रचना जीवन के प्रारंभिक काल में और 34 वर्ष की उम्र के पूर्व की गई थी और रिपब्लिक, फेडो की रचना 20 वर्ष की आयु तक की थी। स्टेट्समैन, क्रिसिस तथा लोज की रचना उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में की थी। उसके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें रिपब्लिक ग्रंथ को देखना चाहिए। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक। इस ग्रंथ में समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सभी समस्याओं की विवेचना उनके द्वारा की गई। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। बारकर ने इसे मानव जीवन की एक दिशा में एक संपूर्ण जीवन जो है मनुष्य का उसकी सब प्रकार की समस्याओं का इसमें वर्णन होने के कारण कहा कि यह मानव के संपूर्ण जीवन की दिशा में एक प्रयास है। तो रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई और गणराज्य और न्याय का इसे दोहरा शीर्षक प्राप्त है। इसकी विषय वस्तु की बात करें हम तो बारकर ने इसे 5 भागों में बांटा है। प्रथम आध्यात्मिक भाग, इसमें अच्छा भला या नेक क्या है इस प्रश्न पर विचार किया गया और सब भौतिक तत्वों में एक ही तत्व की विद्यमानता बताई और वह है अच्छाई। तो अच्छाई या नेकी उसको या भला किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो आध्यात्मिकता में इसको जब पढ़ते हैं तो एक रहस्यवादी, एक नैतिक व्यक्ति के रूप में हमें प्लेटो को दिखलाई पड़ता है। प्लेटो हमें किस प्रकार वो एक आध्यात्मिक संत वो थे। दूसरा नैतिक दर्शन, इसमें मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। प्लेटो नीति शास्त्र व राजनीति में भेद नहीं करता था, व्यक्ति व राज्य दोनों के सद्गुण वो समान मानता था और मानता था जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जो उसमें नैतिकता होनी चाहिए वही राज्य के अंदर होने चाहिए। जैसे मनुष्य की आत्मा के 7 रजतम गुणों की वो बात करता है उसी प्रकार राज्य के भी 3 अवयवों की बात वो करता है। तो नैतिक दर्शन की बात इसमें कही गई है। तीसरा आता है शिक्षा, आदर्श राज्य के निवासियों की शिक्षा की बात इसमें कही गई है। प्लेटो स्वोद्देश्य शिक्षा पे बल देता है। उनके अनुसार आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षा जो है वो उद्देश्य के आधार पर होनी चाहिए। स्वोद्देश्य शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। चौथा बात करें विषय वस्तु की, संपत्ति व परिवार। वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था उनके द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। तो जैसा शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो जैसा उन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए, तो शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होना चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त और इहलौकिक आकर्षण से परे हो। तो भ्रष्टाचार को जो आज जो है
जो कई सारी सरकारें उससे पीड़ित हैं, तो उससे दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार से दूर रहना चाहिए। जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना ही होगा। पांचवा जो विषय वस्तु की बिंदु है उसकी बात करें तो आदर्श राज्य का पतन, उनके अनुसार आदर्श राज्य का पतन कैसे होगा इसकी ओर भी उन्होंने बताया है कि यदि आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो आदर्श राज्य एक निरंकुश राज्य में बदल जाता है। तो इस प्रकार रिपब्लिक संपूर्ण मानव दर्शन की रचना है। तो रिपब्लिक के अंदर उन्होंने संपूर्ण जो ऐसे विषय जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं उन सभी को उन्होंने छुआ है। तो ये था प्लेटो का दर्शनशास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक जिसको हम माने, और उसके साथ ही उनका जीवन परिचय और उसके बाद उनके लिखे हुए ग्रंथ जिन्हें हम संवाद कहते हैं और रिपब्लिक जो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। धन्यवाद।